हाय दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब बहुत सारा कमेंट्स ऐसा आता है कि भाई मैं नया क्रिएटर हूं, एक नया यूट्यूबर हूं, मुझे व्यूज नहीं आता है, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं गेन होता है, क्या करूं। दोस्तों ये तो मेरे साथ भी हुआ था। अब हर एक नया क्रिएटर के साथ ये होता है भाई, यही नेचुरल है और यही होता है। पर अगर आप कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा तो आपका ये दिक्कत भी भाई एकदम सटीक तरीके से दूर हो जाएगा। अभी देखिए, YouTube और YouTube का जो एल्गोरिदम होता है वो मैं तो क्या बड़ा बड़ा यूट्यूबर्स भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि यही तो भाई नियम है। YouTube और YouTube का जो एल्गोरिदम है वो YouTube ही सिर्फ जानता है। पर एक्सपीरियंस यहां पे बहुत काम आता है। मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो भी बहुत ही काम में आएगा। चलिए इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कैसे आप इंक्रीज कर पाओगे आपका सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स आपके चैनल पे, टू गेट व्यूज वेरी इजीली एंड सब्सक्राइबर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, काफी दिनों से मेहनत कर रहा हूं। और हां, जो पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है, मेहनत, हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क का यहां पे बहुत जरूरत है। आप सिर्फ वीडियोस डाल रहे हो ऐसा नहीं, ये तो हार्ड वर्क हो गया, पर स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप? देखिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको आपका दिमाग जो है वो यहां पे काम पे लगाना होगा। यानी वीडियोस तो आप डाल रहे हो एवरीडे, पर कंटेंट्स सटीक रखिए। यानी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वीडियोस आप पहले भाई अपलोड कीजिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे आपका कोई भी एक वीडियो वायरल जरूर होगा, अगर आप ट्रेंडिंग वीडियो पे काम करते हो तो। अभी चलिए जो दूसरा। अब ऐसा होता है, बहुत सारा यूट्यूबर्स जो नया नया यहां पे आया है, नया नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बाद जब व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हो रहा है, भाई मायूस हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करो दोस्त, और वीडियोस अपलोड करना बंद कर देते हैं। नहीं, यही सबसे प्रॉब्लम है और यही रुकावट है आपके लिए। भाई मैं तो कहता हूं हर दिन एक वीडियो डालो। जैसे मैं हर एक दिन एक वीडियो, पहले तो मैं 2-3 ऐसा वीडियो डालता था। भाई इससे क्या होता है, इससे YouTube कभी ना कभी आपका एक वीडियो तो वायरल करेगा ही करेगा। और YouTube हर एक नया क्रिएटर्स को भाई हेल्प भी करता है, प्रोमोट भी करता है, वायरल करता है उसका वीडियो। तो नया कंटेंट्स, ट्रेंडिंग कंटेंट्स और एवरीडे आप वीडियो अपलोड करो। भाई मायूस मत हो, मायूस मैं भी नहीं हुआ था। कम करते जाओ, काम करते जाओ, एक दिन आप सक्सेस होगे एंड डेफिनेटली होगे। चलो नेक्स्ट। देखो यहां पे जो मैं बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अब चक्कर ऐसा है कि भाई बहुत इजी तरीके से, बहुत जल्दी यूट्यूब पे व्यूज गेन करने के लिए, सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए भाई बहुत सारा क्रिएटर्स ऐसा करता है कि कंटेंट्स तो डिफरेंट है पर टाइटल और जो थंबनेल वो डिफरेंट है। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे आपका खुद का नुकसान करोगे। क्योंकि जब आपका यूट्यूब वीडियो मोनिटाइजेशन के लिए रिव्यू में जाएगा तब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ नजर में आएगा आपका कंटेंट्स डिफरेंट है और आपका टाइटल थंबनेल डिफरेंट है। ऐसा गुमराह भी मत कीजिएगा आपका जो व्यूअर्स है, इससे आपसे सपोर्ट उठ जाएगा हर एक व्यूअर्स का। मैं तो यही कहूंगा, जेन्युइन कंटेंट दीजिए, साथ में आपका जो टाइटल है और थंबनेल है वो रिलेटेड दीजिए। इससे हर एक व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं आपका दिल भी बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि आप जेन्युइन हो। चलो अब मेरा जो नेक्स्ट टिप्स है भाई, थंबनेल। ऐसा एक बात है ना, कहावत है ना भाई, पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण बिचारी। यानी थंबनेल अट्रैक्टिव बनाइए, थंबनेल ऐसा बनाइए अगर किसी के पास सजेस्टेड में वो वीडियो जाता है तो वो क्लिक करेगा ही। इससे क्या होता है भाई, व्यूज आपको मिलता है। तो आप एटलीस्ट जो थंबनेल है वो एकदम चकाचक बनाइए, ऐसा बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए जो
भाई मन करे किसी को भाई वो जरूर भाई एक बार देख ले आपका जो वीडियो है उसमें वॉच टाइम अच्छा आना जरूरी है। इसका मतलब आप अच्छे से बात कीजिए, ऐसे बात कीजिए कि आपका व्यूअर्स भाई एकदम देखता रहे आपका वीडियो, में कुछ सस्पेंस भी वहां पे क्रिएट कीजिए, इससे आपका जो व्यूअर्स हैं वो बोर नहीं फील करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपका वॉच टाइम अच्छा आना जरूरी है। चलिए अब जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, टैगलाइन एंड टाइटल। टाइटल ऐसा बनाइए जरा हटके बनाइए, जैसे मैं देता हूं ना तबाही भाई, कुछ खास है भाई, क्या दिया है इस तरह का। सपोज आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो Redmi Note 7 Pro का, अब आप तो जानते हो कि इससे पहले जो बड़ा बड़ा क्रिएटर्स हैं वो तो ऑलरेडी Redmi Note 7 Pro का अनबॉक्सिंग कर चुका है, तो आपका वीडियो कौन देखेगा भाई, छोटा मत समझो खुद को भाई। यहां पे आप जब टाइटल में लिख रहे हो कि भाई Redmi Note 7 Pro अनबॉक्सिंग, थोड़ा सा डिफरेंट लिखो ना, जैसे अनबॉक्सिंग ऑफ Redmi Note 7 Pro विथ PUBG प्ले गेमिंग, तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दो आपका टाइटल को, देखोगे कि भाई आपका व्यूज जरूर आएगा। अभी टैग, टैग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहां पे कहूंगा सिर्फ आप टैग में मत ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कीजिए कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन पे पूरा वर्ड दीजिए, यानी वो लिंक या वो ये मत दीजिए अभी, अगर आप एक नया क्रिएटर हो तो क्या करोगे आप जो बोल रहे हो आपके वीडियो में वही आपके जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, इससे क्या होगा आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो तो आपके वीडियो के साथ भाई यहां पे कनेक्ट हो गया। अब आपका टाइटल भी ऐसा रखिए कि वहां पे भी आप जो कहे हो वो वहां पे लिख रहे हो, और टैगलाइन भी ऐसा होना चाहिए जो आप कह रहे हो उसी का टैगलाइन आपके टैग्स पे हो। तो इसे कनेक्ट क्या हुआ, टैग प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस टाइटल, भाई आपका वीडियो अच्छे से चलेगा। तो मैं यही कहता हूं, और हां और एक बात, हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा, तो इससे आप कहीं ना कहीं व्यू जरूर आपको मिलेगा। अभी मेरा लास्ट जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखिए मैं यहां पे 1.5 साल से काम कर रहा हूं, मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूं, पर थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी मिला है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी मिला है। अब मैं आपको इनिशियल स्टेज में आप क्या करोगे, आप आपके सोशल जो मीडिया है उसको यूज करो, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे ट्विटर, सब जो सोशल मीडिया है इसको आप यूज करो। इवन अगर आप टिकटॉक भी यूज कर रहे हो ना, तो टिकटॉक में भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल दो भाई, इससे कहीं ना कहीं आपका चैनल प्रमोट होगा, और आपका जो फ्रेंड्स है आपका जो रिलेटिव है भाई बोलो ना भाई एक बार देख लो ये वीडियो। तो कहने का तात्पर्य यह है सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कीजिए, मैं अभी करता हूं, अभी तक करता हूं, तो आप ऐसे करते जाओ और कहीं ना कहीं एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे। और एक बात कहूं भाई, जो सक्सेस है ना वो देर से आता है पर ये रुकता है बहुत देर तक, और जिसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है ना वो कहीं ना कहीं भाई उतने देर तक कायम नहीं रहता है। मेरे लिए तो एक ही बात है भाई, जो पेशेंस है ना वो बहुत बीटर है, पेशेंस इज वेरी बीटर बट इट्स फ्रूट्स इज वेरी स्वीट, इसका जो रिजल्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत मीठा होता है भाई। वेट करो, आपका भी दिन आएगा, आपका भी मेहनत रंग लाएगा, और ये तो आप भी जानते हो शॉर्टकट से कुछ ही नहीं होता है भाई, काम करना होता है, हार्डवर्क प्लस स्मार्टवर्क भी करना होता है। ये था इस वीडियो में, कैसा लगा दोस्त आपको, थोड़ा सा अलग है ये वीडियो, और मेरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो आपके साथ शेयर किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर काम में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर पुश कीजिएगा, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।